इतने बुरे हाल हैं कि ट्रांसपोर्ट नगर आने को दिल नहीं करता इंसान का, किसी का भी हो। गए साल 6 महीने पहले अब कहते हैं ये हमने सीवर डाल दिए हैं, बाकी ये कर रहे हैं, अब हमें तो सपने दिखा रहे हैं। बारिश होती है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नगर में तो सबसे बुरा हाल होता है यहाँ पे। अगर कहीं से कहीं भी आप निकलेंगे तो आप निकल नहीं सकते, बड़े बड़े गड्ढे हैं, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं तो गाड़ी फंस जाती है। कहने को तो इसे एशिया का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट नगर कहा जाता है, लेकिन बदहाली ऐसी कि लोग यहाँ जाने से पहले कई बार सोचते हैं। हालांकि वो करे भी क्या, आखिर पैसा कमाकर अपना और अपने परिवार का पेट भी तो भरना है उन्हें। ये मजबूरी दिल्ली के ट्रांसपोर्ट हब कहे जाने वाले संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में काम करने वाले मजदूर और ट्रक चालकों एवं मालिकों का है। एशिया का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट नगर है, जो यहाँ हालात दिक्कतें हैं, यहाँ पे ना खाना ना पीना ना पानी चाय लैटरी बाथरूम कुछ भी नहीं, यहाँ पे कुछ चीज भी हो पानी तक पीने का पानी तक नहीं यहाँ पे आएगा। ट्रक चालक मजदूर मैकेनिक सहित ट्रक व्यवसाय से जुड़े लोग की हालत ठीक करना यानी उसे समृद्ध बनाना तो दूर की बात है। यहाँ के लोगों के मुताबिक पिछले 20-22 सालों में यहाँ की गड्ढे वाली सड़कों और उसमें होने वाले जल जमाव को ठीक करने के लिए कुछ किया ही नहीं गया है। और अब ये आलम है कि ट्रांसपोर्ट नगर की बदहाल स्थिति ने ट्रक चालकों मैकेनिक और मजदूर भाइयों को इसी हाल में जीना सिखा दिया है। बहुत ही हालत जर्जर है। अगर कोई गाड़ी लेकर निकलता है तो किसी का चैम्बर टूट जा रहा है कारों का, मोटरसाइकिल वाला बेचारा उसी में डूब जाता है। जो माल लेके यहाँ छोटी गाड़ियाँ आती हैं जैसे टाटा एस है या ऐसी गाड़ियाँ आती हैं छोटी, वो पानी में फंस जाती हैं, उनके छोटे चैम्बर इंजन नीचे होने की वजह से वो पानी में ही बंद हो जाते हैं। एक तो टूटी सड़कें, लबालब नाला और जल जमाव, ऊपर से कोरोना, ऐसी स्थिति में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में काम करने वाले ट्रक चालक और अन्य लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। इन बातों का जायजा लेने वलसाई की टीम SGTN पहुंची। यहाँ की हालत पूछो, सारा ट्रांसपोर्ट नगर डूब जाता है। गाड़ियाँ हमारी ऐसे है 5-5, 6-6 दिन तक लोड होने के लिए परेशान है, कोई गाड़ी निकलती नहीं है, नहीं कोई आदमी पैदल चल सकता, नहीं कोई मोटरसाइकिल स्कूटी, सारी गिरते हुए रह जाती है। यहाँ इतना पानी भरा है जिसका कोई हद ही नहीं, बुरे हाल है पूरे ही। बारिश में पहले तो यहाँ रोड कंडीशन इज टोटली वर्स, बिल्कुल ख़राब है, गाड़ी चलने की हालत में ड्राई में नहीं है, जब पानी आ जाता है तब तो यहाँ वाटर लॉगिंग इतनी ज़्यादा होती है कि गाड़ी निकल नहीं पाती है। इस पीरियड में बहुत सारी जो LMVs है, छोटी व्हीकल्स है, कार्स है, बहुत सारी यहाँ पानी में सबमर्ज होकर ख़राब हो गई, डैमेज हो गई। सर कोई सहूलत नहीं है, हर जगह कैंप लग जाते हैं, बड़े बड़े ये इंडस्ट्री एरिया में लग जाते हैं कोरोना के टेस्ट, यहाँ एक टेस्ट नहीं आया, ना कोई डॉक्टर आया, ना कोई पूछने वाला आया, क्योंकि इनका लबारस है नहीं ड्राइवरों का बेचारों का, ये तो जब से सेवा यही करते हैं लोगों की, पर इनका कोई टेस्ट नहीं है। बिजली तो यहाँ ठीक है, बिजली में कोई दिक्कत, लेकिन यहाँ बाथरूम शिविर के ये हाल है, सारे जाम है, आज तक यहाँ के शिविर चालू ही नहीं हुए, कभी भी नहीं, सारी मतलब सीलने आ गई शिविरें, सारे ऐसे कैसे नाले भरे पड़े, कुछ भी कोई काम करने आता ही नहीं है, कोई सब कोई MCD वाला नहीं, कुछ भी नहीं, कोई देख रेख नहीं है। ये आम है, ये मतलब ये कभी ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर डे आपको इसको याद करना पड़े, किसी ने किसी का छोटी मोटी घटना आम दूसरे दिन तीसरे दिन हफ्ते में एक बार दो बार तीन बार होती रहती है, और मतलब यहाँ तक कि ड्राइवर अपनी कई बार जेब कटवा चुके हैं, कई बार उनके साथ और भी मतलब कई बार तो मतलब बेचारों को जान बचाने तक मुश्किल हो जाती है, किसी ने हिट कर दिया नाइफ से या कुछ ऐसी प्रॉब्लम, ये तो आती रहती है, आए दिन आती है। एक दिन की बारिश होती तो एक महीने के लिए यहाँ पानी का सैलाब हो जाता है, उसके निकलने के ना कोई रास्ता है ना कोई जरिया है, और उसमें पॉलीथीन मतलब ऐसे कोई कुत्ता बिल्ली जानवर कोई अगर उसमें गिर गया या मर गया उसमें सड़ता है, बदबू आती, चूहे हुए ऐसे, इसकी वजह से बीमारियाँ फैलने के चांसेस काफ़ी होते हैं और काफ़ी बीमारियाँ फैलती हैं,
और जो मैकेनिक लोग हैं उनके लिए भी ऐसा कुछ नहीं है, या गाड़ी वाले बेचारे जो आते हैं उनके लिए भी कुछ नहीं। जैसे बाहर इसकी वजह से ये एक सबसे बड़ी परेशानी ये हो रही है कि संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर का बिजनेस डाउनअप दिन ब दिन नीचे होता जा रहा है, क्यों बाहर के लोग यहाँ नहीं आना चाहते। सर ये बीजी ब्लॉक में आग लगी थी, दो बंदे मर गए थे वहाँ पे, आज तक वहाँ पे फाइव ग्रेड नहीं पहुँच सकी थी। बंदा एम्बुलेंस कहाँ से आ जाएगी, या पैदल आना बंदे का मुश्किल है तो एम्बुलेंस कहाँ से पहुँच जाएगी, यहाँ पे बंदा यहीं मर जाता है यहाँ पे। ट्रांसपोर्ट नगर की हालत और लोगों के बात करके हमने समझा कि सुविधाओं के नाम पर ये सही में 0/0 है। यहाँ ट्रक व्यवसाय को बेहतर और बड़ा बनाने के इतने अवसर हैं, वहाँ सिर्फ और सिर्फ शासन प्रशासन की अनदेखी की वजह से बाहर से आने वाले लोगों का तो छोड़िए, यहाँ रह रहे लोगों का भी बुरा हाल है। कहने की बात है, टाल दिया अगर मैं अपने लड़के की शादी करनी है ना, उसके के रिश्तेदार यहाँ तक देखने आए हो, क्या तुम तो गंदम रहते हो, नरकम रहते हो, और एशिया का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट नगर बताते हैं ये लोग को। देखने और लोगों से बात करके बदहाल संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर की किसी सुविधाओं के बहाल होने की उम्मीद तो लग नहीं रही है, लेकिन हम आशा करते हैं कि सरकार और स्थानीय प्रशासन इस पर कुछ सूझ लेगी और इन लोगों की सभी दिक्कतें समाप्त हो जाएंगी। इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही अन वीडियो और ट्रकिंग जगत की लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दें। आप अपनी समस्याएं भी हमें कमेंट के जरिए भेज सकते हैं।